फ्रेंड्स अपने इस वीडियो में टेक्स्ट और इमेज की हेल्प से या सहायता से मैं आपको बताने वाला हूँ कि करप्टेड पेन ड्राइव को किस तरह से आप सही कर सकते हैं, किस तरह से आप करप्टेड पेन ड्राइव को ठीक कर सकते हैं, करप्टेड कार्ड को ठीक कर सकते हैं। तो डियर फ्रेंड ध्यान से पूरा वीडियो देखिए, मैं इसमें बताने वाला हूँ किस तरह से आप करप्टेड पेन ड्राइव या मेमोरी कार्ड को किस तरह से ठीक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं करप्टेड, हाउ टू रिपेयर अ करप्टेड यूएसबी फ्लैश ड्राइव पेन ड्राइव मेमोरी कार्ड रीडर एक्सेट्रा। मैं आपको किसी यूएसबी ड्राइव को रिपेयर करने की जानकारी दे रहा हूँ डियर फ्रेंड्स, जिससे आप भी अपने किसी पेन ड्राइव को रिपेयर करके दोबारा उसे उपयोग में ले सकते हैं। किसी करप्टेड पेन ड्राइव को अगर आप कंप्यूटर में लगाने की कोशिश करेंगे तो वो आपको बार बार फॉर्मेट करने के लिए कहेगा, या कुछ अन्य चीज़ भी कह सकता, हो सकता है दिखाई ही ना दे। आप उसे कितनी भी बार फॉर्मेट करें वो हमेशा फॉर्मेट करने के लिए कहेगा। आप इस पोस्ट के ज़रिए इस प्रॉब्लम को सुधार सकते हैं। ये टेक्स्ट के माध्यम से मैं जो वीडियो बना रहा हूँ इसको देख करके आप उसे ठीक कर सकते हैं। वो कैसे नीचे देख लीजिए लिखा हुआ है, और जो मैं आपको बता रहा हूँ इस टेक्स्ट वीडियो के माध्यम से, तो उसे आप सुने और फॉलो करें। तो डियर फ्रेंड्स इसके लिए सबसे पहले आप अपना पेन ड्राइव कंप्यूटर में लगाएं। दूसरे स्टेप में फिर आप देखें कि आपका पेन ड्राइव फॉर्मेट करने के बाद वही क्रिया करने को कह रहा है। तो फिर आप अपना कमांड प्रॉम्प्ट खोलें, फिर कमांड प्रॉम्प्ट के लिए सीएमडी वही रन पे जाके सीएमडी लिखें, एंटर करें। फिर आप कमांड प्रॉम्प्ट में डिस्क पार्ट लिखें और एंटर दबाएँ। फिर आपके सामने कैपिटल लेटर में डिस्क पार्ट लिखा दिखेगा। डियर फ्रेंड्स आपके सामने डिस्क पार्ट लिखा दिखेगा कमांड प्रॉम्प्ट में, जी हाँ। उसके बाद आपको क्या करना है फिर आपको आपकी हार्ड ड्राइव के साथ आपकी पेन ड्राइव दिखेगी जो डिस्क वन पर होगी। फिर आप सेलेक्ट डिस्क वन या आपकी पेन ड्राइव जिस नंबर पर है वो चुनें। जैसे दो पर है तो सेलेक्ट डिस्क टू लिखें, एंटर दबाएं। डिस्क वन को वन के सेलेक्ट होने पर या टू के सेलेक्ट होने पर, जो भी आप सेलेक्ट करेंगे के सेलेक्ट होने पर क्लीन लिखें और एंटर दबाएँ। सेलेक्ट करने के बाद क्लीन लिखें और एंटर दबाएं डियर फ्रेंड्स, क्लीन लिखें और एंटर दबाएं। फिर आप क्रिएट पार्टीशन प्राइमरी लिखें और एंटर दबाएं। फिर आप एक्टिव लिखें और एंटर दबाएं। फिर सेलेक्ट पार्टीशन वन लिखें और एंटर दबाएं। डियर फ्रेंड ध्यान से पूरे स्टेप्स आप देख लीजिए, टेक्स्ट के माध्यम से भी हैं। वीडियो को एक बार दो बार तीन बार देखिए, उसके बाद इसको फॉलो कीजिए, ठीक है डियर फ्रेंड्स। तो ध्यान से देखें ये पूरे स्टेप बाय स्टेप, मैं कुछ डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा सारे स्टेप्स आपको। फिर सेलेक्ट पार्टीशन वन लिखें और एंटर दबाएं। फिर फॉर्मेट fs इक्वल FAT32 लिखें और एंटर दबाएं। जी डियर फ्रेंड थोड़ा ध्यान से आप देखिए, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ और गलती हुई तो फिर दिक्कत हो सकती है डियर फ्रेंड्स, इसलिए ध्यान से देखें। फिर सेलेक्ट पार्टीशन वन लिखें और एंटर दबाएं। उसके बाद फॉर्मेट fs इक्वल FAT32 लिखें और एंटर दबाएं। मैंने इसे रिपीट किया फिर से डियर फ्रेंड्स। इसके बाद फिर उसे 100% पर कंप्लीट होने दें डियर फ्रेंड, 100% तक उसे कंप्लीट होने दें। फिर एग्ज़िट लिखें और एंटर दबाएं, इससे आप फिर अपने डिफ़ॉल्ट CMD पर पहुँच जाएंगे। अगर आपके पास ऐसा कोई पेन ड्राइव है तो उसे आप इस ट्रिक से सही कर सकते हैं और दोबारा उपयोग में ले सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स ये तो था तरीका USB फ्लैश ड्राइव और पेन ड्राइव और मेमोरी कार्ड रीडर को ठीक करने का तरीका डियर फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।